हाय दिस इज प्रियंका वाचिंग इट सिंपल की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टोरी राइटिंग कैसे करनी चाहिए सबसे पहले तो एक आउटलाइन प्लॉट होना जरूरी है बहुत ज्यादा तुम्हारी स्टोरी का ऐसे नहीं है कि कुछ भी बना के लिख रहे हैं कहीं से भी शुरुआत हो रही है और कहीं पे भी खत्मा हो रहा है एक प्रॉपर आउटलाइन होनी चाहिए जैसे कि एक बंदर को पेड़ पे चढ़ना है ये मेन आउटलाइन है और उसके इस रस्ते में कितनी रुकावटें आई या फिर उसे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा यह एक्स्ट्रा चीज होगी मेन प्लॉट बस यही हो जाएगा कि बंदर को पेड़ पर पे चढ़ना है ये तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी क्लियर होना चाहिए कि तुम्हारी स्टोरी क्या होने वाली है ठीक है इंटरेस्टिंग होनी चाहिए वैसे तो टीचर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कुछ भी लिखो क्योंकि स्टोरी राइटिंग में वैसे ही सबको अच्छे मार्क्स मिलते हैं बट डोंट टेक माई वर्ड फॉर इट फिर भी बकवास मत लिख के आना पेपर में अच्छे से लिख के आना फिर टाइम प्लेसेस सारी चीजें तुम्हें अच्छे से मेंशन करनी है ये नहीं है कि बस शुरू हो गई है कहानी तुम्हें बताना है बंदर को पेड़ पे चढ़ना है तो वो बंदर कहां पे है वो जंगल में है प्लेस मेंशन की क्या टाइम है समय क्या है दिन का समय है रात का समय है या फिर शाम हो रही है सूरज ढल रहा है तुम्हें वो सारी चीजें मैंशन करनी है कैरेक्टर्स किसी भी स्टोरी की जान होती हैं बंदर को पेड़ पर पे चढ़ना है साथ में एक रोकोटाइल भी है वो कैसा है वो कनिंग है अच्छा और कैरेक्टर बिल्डिंग कहते हैं इसको और सपोज करते हैं एक ऐसी फालतू जानवर है उस फालतू जानवर को इस क्रोकोडाइल ने मार दिया तो इससे क्या हो रहा है इससे क्रोकोडाइल का कैरेक्टर बिल्ड हो रहा है हमें क्रोकोडाइल के बारे में पता चल रहा है कि वो कितना कनिंग है राइट या फिर कह सकते हैं कि अगर इस बंदर ने किसी की ऐस का, ऐसे होता है ना कैरेक्टर बिल्डिंग में कभी कबार कोई बोल रहा होता है अरे तुम कितने अच्छे हो तुम ये हो तुम वो हो तुम वो हो तो वो सारी चीजें उसके कैरेक्टर में ऐड हो जाती हैं जरूरी नहीं है कि किसी की अच्छाई को सिर्फ बता के उसके कैरेक्टर में ऐड किया जाए हम उस अच्छाई को दिखा भी सकते हैं कहानी में और फिर उसे ऐड करा सकते हैं जैसे कि एक बंदर का कुत्ता दोस्त उसे आके बोल रहा है तू कितना अच्छा है बजाय कि हम इसे ऐसे दर्शा सकते हैं कि कुत्ता फंसा हुआ था मकड़ी के जाल में और बंदर ने उस आके उसकी मदद करी तो इससे उसका कैरेक्टर और निखर के आ रहा है उन चीजों को बातों में रोने की जगह उन्हें दिखाना और ज्यादा अच्छा हो जाता है स्टोरी में राइट आई होप यू कैन गेट माई पॉइंट मैं क्या कह रही हूँ फिर बिगिनिंग अच्छी होनी चाहिए मिडिल भी अच्छा होना चाहिए एंड भी अच्छा होना चाहिए इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि इन शॉर्ट स्टोरी अच्छी होनी चाहिए इंटरेस्टिंग होनी चाहिए दैट इज कहानी ऐसी होनी चाहिए जो तुम्हारी अटेंशन को होल्ड करके रखे ग्रैप करके रखे और तुम जल्दी उस स्टोरी से बाहर निकल ना पाओ क्योंकि सबसे अच्छी स्टोरी वही होती है जो तुम्हारा अटेंशन ग्रैप करके रखे ठीक है कॉन्फ्लिक्स और दो साइड्स। अक्सर लोग कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट और दो साइड्स दिखाओ कि सिक्के के दो पहलू कि हो सकता है एक बुरी ईवल साइड है और एक अच्छी साइड है अक्सर लोग कहते हैं सिर्फ दो साइड्स दिखाओ बट मुझे भी काफी इंटरेस्टिंग लगती है चीज कि जब हम ज्यादा साइड्स दिखाते हैं जैसे कि एक अच्छाई की लड़ाई चल रही है एक बुराई की लड़ाई चल रही है और एक तीसरी साइड भी है जिसे किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता एक चौथी साइड भी है मेरे ख्याल से वो सारे जा रहे हैं कहीं और बस घूम ही जा रहे हैं और एक पांचवी साइड भी है लाइक यू गेट द पॉइंट कुछ लोग होते हैं जिन्हें किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं कुछ बहुत बुरे होते हैं बहुत टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं तो तुम सिर्फ दो पे निर्भर मत रहो कि हम दो साइड्स दिखाएंगे जितनी ज्यादा साइड्स हो सके वो उतना ही बेहतर है ठीक है फिर आती है हमारी आखिरी चीज ऑर्गेनाइज होनी चाहिए कहानी ये नहीं है कि हमें कहीं से भी बीच से मिडिल से स्टोरी स्टार्ट कर दी बंदर पेड़ पे चढ़ गया फिर उसके बाद हम लिख रहे हैं बंदर पेड़ पे चढ़ने कल गया था अब ये क्या हो रहा है कभी हम बीच का पार्ट ले आए कभी आगे का पार्ट ले आए ये चीजें मूवीज में ही अच्छी लगती हैं बट रियलिटी में जब टीचर पेपर को चेक कर रहा होगा वो भी कंफ्यूज हो रहा होगा क्या बकवास लिख दिया है ठीक है तो ये जो स्टोरी लाइन है ये ऑर्गेनाइज होनी चाहिए कुछ भी कहीं से भी उठा के और गोल मोल करके नहीं लिखना है उसको प्रॉपर स्टार्टिंग से एंड तक कोशिश करो नॉर्मली लिखने की दैट इज की बंदर ने अपने दिमाग में सोचा कि उसे पेड़ पे चढ़ना है फिर उसने चलना शुरू किया फिर एंड में जाके वो पेड़ पे चढ़ गया ठीक है